बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज इसे देखिए, इन दोनों क्वेश्चंस को चैलेंज कीजिए, आपको रैंक लाने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपने चैलेंज नहीं भी किया है टेंशन नहीं, बिकॉज मैं अपने 2-3 स्टूडेंट्स को पकड़ के इन क्वेश्चंस को जरूर अभी चैलेंज करवा दूंगी। तो कौन से क्वेश्चंस है जो आप पक्का बायो में चैलेंज कर सकते हो, एक क्वेश्चन फिजिक्स का भी है। मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए दिए हुए हैं, आपको पता है इसका आंसर एनटीए ने नंबर 4 ऑप्शन दिए। एनटीए कहता है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए नंबर 1 है, देन डीएनए को हम कट करते हैं, देन उसको एम्प्लीफाई करते हैं और फाइनली इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल CBDA। पर इसका आंसर नंबर 2 ऑप्शन भी बनता है, BCDA अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर आप रीड करोगे तो उसमें कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक प्लेस, आइसोलेशन, एम्प्लीफिकेशन और फिर इंसर्शन, सो BCDA भी है। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो, मेरे हिसाब से नंबर 2 ऑप्शन इज अ मच 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 बेटर ऑप्शन। प्लीज इसे चैलेंज कर दीजिए, आपको जरूर नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ए ज्यादा एप्ट है, बी ओ हो सकता है पर इतना एप्ट नहीं है। ये एनसीईआरटी की लाइन है जिसके हिसाब से बी ऑप्शन भी बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग। देखो इनब्रीडिंग की एडवांटेज कौन सी नहीं है, इट डिक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन है। तो एनटीए के हिसाब से ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सबसे एप्ट, सबसे सही ऑप्शन है। बट आपको पता है इनब्रीडिंग जो है वो इंक्रीज करती है होमोजाइगोसिटी, क्योंकि इनब्रीडिंग हो रहा है तो यहां डिक्रीज लिखा है और आंसर में नॉट है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, पर मेरे हिसाब से इतना अमेजिंग ऑप्शन नहीं है जितना कि ए है। इट डिक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रेड पॉपुलेशन, डेफिनेटली मच बेटर है, पर इन दोनों को आप चैलेंज कर सकते हो, सो प्लीज इन्हें चैलेंज कीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको चैलेंज करके भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, अनफॉर्चुनेटली इस बार उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया। ऐसे बहुत बच्चे मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कमेंट सेक्शन पे कर रहे हैं, रोज क्लासेस लगा रहे हैं। अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो जो ड्रॉप लेना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो और अगले साल रैंक निकालना चाहते हो, सो मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं बिकॉज ड्रॉप कर रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको अर्ज करूंगी, अगर आपके मन में ड्रॉप का प्लान है तो आप इमीडिएटली क्लास के बिलो जाइए, आपको एक लिंक मिलेगा, इसको आप क्लिक कर दीजिए। मेरी पूरी टीम ऑफ काउंसलर्स बैठी है आपको हेल्प करने के लिए कि आपको ड्रॉप करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और वेदांतों के बहुत अमेजिंग सेशंस हैं। बस इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, फटाफट जाइए एंड ड्रॉप करने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेदांतों के बैचेस आप लोगों के लिए है, तो आ जाइए, इस फॉर्म को फिल कीजिए, अपनी क्वेरीज भरिए, एंड माय टीम ऑफ काउंसलर्स विल गेट इन टच विद यू इमीडिएटली। फटाफट दोनों काम कर लीजिए, फॉर्म भर लीजिए और इन क्वेश्चंस को चैलेंज कर दीजिए। मिलते हैं कल रेगुलर क्लासेस के टाइम पे, टेक केयर, बाय।